अगर ये तेरी गर्दन पकड़ ली तेने फिर क्या करूंगा मैं? बिल्कुल जल्दी है, जल्दी है, बच गया। जय हिंद एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो काफी दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि देहरादून का जो वेदर है वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा, और अभी लगभग दिन के 2 बजे हैं, थोड़ा मौसम साफ हुआ है, सो वी आर ट्राइंग टू कि आज थोड़ा राइड कर लें। और आज फिर से जेडी फिर से जेडी भैया मेरे साथ है और सिकंदर जो है अपनी पूरी मस्ती में है इस समय, पूरा अपना करंट दिखाते हुए। तो जेडी चले भाई फिर से? बिल्कुल मेरे भाई चलो। तो लास्ट टाइम हमारी राइड हुई थी रोड पे, इस बार रोड पे राइड नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा दिन का टाइम भी है और जंगल का मजे लेते हैं, क्योंकि जंगल अंदर से खुला भी होगा और बारिश के चक्कर में मिट्टी गीली होगी ना, तो मजा आएगा चलने में। इनको भी बता दें आज हम घोड़ों को कि हाँ भाई तुम लोग प्रजाति ही जानवर, अपनी जंगली जानवर हो। नहीं मैं तो पहले बहुत बार जा रखा हूँ जंगल में लेके ना। चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं आगे। बस ये है कि जंगल में घुसना कहाँ से ये देखने वाली बात है। हाँ आज एक्चुअली वहाँ से आते हुए भी स्कूटी इतनी जगह स्लिप हुई है। नहीं स्लिप होने तो क्या टेंशन नहीं है, पिछली बार वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर आप कुत्तों से कैसे बचते हो, कुत्तों से? मेरा उस भाई के लिए जवाब है अच्छा कि कुत्तों से बचने की जरूरत ही नहीं है, आप हो ही इतनी हाइट पे कुत्ते वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और ऊपर से कुत्ते तो वैसे ही भौंकते रहते हैं ना। हाँ नहीं कुत्ते अगर अटैक करें कई बार भागे भी ना तो फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से यार, उनको तो जवाब देने के लिए है ही घोड़े। कुछ नहीं करना, चुप निकले चले जाओ। और बस डर लगता है इनका गायों का। ये देखो हमारी टीम जो है गायें हटा रही है आगे से। गुड वर्क। इधर से कहीं तो जगह होगी घुसने के लिए। चलिए तुम आगे लो बैला को। अच्छा गाय हमें रास्ता दिखा रही है आज तो। हाँ नहीं नहीं वो ज्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर भाई कहाँ को निकलना है। चलो 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 आगे चलो आगे चलो 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 बेटा चलो सीधे। रास्ता नहीं मिला जंगल के अंदर घुसने का। हाँ रास्ता नहीं है, सीधा नहीं है यहीं से निकलता हूँ ना, वहाँ पर से रास्ता नहीं चुप। किधर से है रास्ता? उधर जहाँ पे तू खड़ा मेरे भाई। चल 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 चल। नहीं बेटे सिकंदर ऐसे काम नहीं करते। हाँ हाँ देख लिया, वो एक्चुअली थोड़ा सा ढाल टाइप है। यहाँ से सिकंदर जाएगा, बैला को पहले आगे ले लो। जेडी बैला को आगे ले लो, बैला को देख देख के सिकंदर अपने आप निकल जाएगा। किधर को? आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड हॉर्स है और दूसरा थोड़ा कम ट्रेंड हॉर्स है, तो ज्यादा ट्रेंड वाले को आगे कर लो, कम ट्रेंड वाले को पीछे कर लो, उसको देख देख के चला जाएगा, ये एक बेस्ट पार्ट रहता है। चलो बेटा काफी तगड़ा स्लोप है ऐसी जगह, शाबाश। लेकिन मुझे ऐसी जगह से इसकी कतई उम्मीद नहीं सिकंदर की। ये देखो बिल्कुल मना कर रहा है, साफ 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 कह रहा है नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है। सिकंदर कह रहा भाई मेरा हिसाब तो है नहीं आने का, लेकिन बेटा चलना पड़ेगा। यहाँ से नहीं हम कहीं और चलेंगे, चलेंगे जरूर, क्यों सिकंदर? चलो क्योंकि सिकंदर ना यहाँ पे जंप भी कर सकता है, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। तो क्या करा जाए, इधर से है रास्ता उतारने का, इधर से निकाल मेरे हिसाब से। हाँ वहां से पेड़ के इधर से करके यहाँ निकाल, पेड़ के बीच से। हाँ अरे कोई टेंशन नहीं, मैं इसको उतार दूंगा। तो इधर से आ जाओ फिर आप। हाँ यहाँ से नहीं है, चलना भाई सिकंदर। यहाँ से किधर को निकलना है? अच्छा है हाँ जी, इधर से कहाँ को निकलना है? कहाँ से? चलो घुमा कराता हूँ, चलो बेटे चलो। हाँ यहाँ को आ जाओ जहाँ से शरद आ रहा है। हाँ सिकंदर में मैंने एक नोटिस करी ना एक दो बार पहले, ये कई बार क्या होता है ज्यादा गड्ढा इसको दिखता था, जंप मार जाता है, और जंप में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना कहीं जंप कर जाऊँ साथ में। यहाँ से वैसे है तो सही निकलने के लिए रास्ता, उतार के निकाल लो। उतार के चल बेटा सिकंदर चल, बस सिकंदर चल। ए शाबाश मेरे शेर, शाबाश मेरे बेटे, ये यही तो क्या ड्राइविंग हल्के में ले लोगे तुम, ड्राइविंग की स्किल्स तगड़ी है भाई। सीधा सीधा नहीं, सीधा नहीं, अब हमें आगे जाने के लिए यहाँ से घुसना पड़ेगा नीचे।
और यहाँ से रुको मैं आगे निकलता हूँ फिर देखता हूँ। हाँ। निकल निकल पीछे पीछे आ रहा। यहाँ से मैंने पहले पिछली बार तो निकाल दी थी। कहाँ से निकाल ली थी? सामने यहाँ से। हाँ यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा बारिश हाँ, हो गई ना, लेकिन काफी स्लोप है, घोड़े उतार के निकाले यहाँ से, हम उतर के चढ़ के नहीं। नहीं पैर ना फंस जाए। उधर देख, उधर रिस्की है मेरे भाई शरद, वहाँ देख वहाँ दिक्कत आएगी। एक बार यहाँ से घोड़ी उतर गई ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। और तू एक काम कर, एक बार शरद वो वाला रास्ता देख। वो रास्ता नहीं है, मैंने देखा हुआ है। तू नीचे उतर जाए एक बार, और नीचे उतर घोड़ी उतर जाइए आराम से बड़े मजे में, फिर मैं उतर रहा हूँ। नमित बाबू रास्ता कहाँ को निकाले, आपने गारे में ऐसा फंसाया हमारे को रास्ते के लिए भूल भुलैया बन गया हमारे लिए। तो भूल भुलैया नहीं है, यहाँ से देख सामने से नीचे उतर पहले आराम से। तो उतार के निकालूं कैसे करूं? इस साइड आ बेटा, इस साइड से आ जा तू, उतर के उतार। उतार के निकालूं? हाँ उतर के उतार ले। हाँ आगे मुझे दिक्कत ये है कि जो पेड़ है ना, हाँ वो पेड़ की जड़ है। अरे मैं निकला हूँ वहां से, क्या घोड़ी निकले हो? हाँ मैं निकला हूँ घोड़ी लेके यार, मैं तो बैठ के उतर रहा हूं। बैठ के निकले हो? तू उतर के करना, तू उतर के करना, बिकॉज यू आर नॉट दैट एक्सपीरियंस ना। चल बेटा चल बेटा शाबाश, चल बेटा चल शाबाश। बहुत ज्यादा ही खतरनाक रास्ता था, बट हमारी बॉम्ब प्रूफ बेला निकल गई है। बेला इज बेला। अच्छा यार मैंने जिसको ट्रेन कराया इतने महीनों से उसका क्या? देखो आपने तो ट्रेन किया, हाँ बट देखो उसमें भी मैं आपको हैट्स ऑफ कहूंगा। हाँ अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए, इसमें कोई दराय नहीं है। उन्होंने जो पहला सिकंद वो दिया था ना जोरावर, जोरावर हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा राइडिंग का हॉर्स दिया था मनोज शर्मा जी ने। आगे ले ले, आगे ले ले, आगे ले ले। चल बेटा थोड़े पैर स्लिप करेंगे ना आज। हाँ उस चीज का ही ध्यान रखना पड़ेगा हमें। आज भैया इधर को आना पड़ेगा, रास्ता नहीं है मेरी। जी भैया मेरी वॉकी टॉकी गिर गई इधर, देख के बिल्कुल जल्दी है जल्दी। आ, बच गया। बस तो मैं भी गया आज तो खतरों के खिलाड़ी हुए हुए हैं हम लोग अरे नहीं यार गंदी हो गई, बट नहीं इट इज लाइक एडवेंचरस। ला 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 दिखा, चल रही है चल रही है, चल रही है। नहीं आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अरे आ रही है। अच्छी यार बोलना एक मिनट आप। हाँ भाई मेरी वकील हो गई ठीक है। अरे आवाज आ रही है, चलो निकालो निकालो। चल बेटा हाँ एक मिनट जेडी। जी भैया उधर पहले सर से जाने दे। बोलो 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 शरद भाई, भाग के इधर को आ जाओ। हाँ, हाँ, छुड़ा है बस बेटा बस। चल सीधा चल चल चलो चल बेटा बेला, चलो सीधा आगे चलो आगे चलो चलो। गुड गर्ल, चल बेटे चल 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 चल, कुछ नहीं है चल चल चल, चल। अब कहाँ को निकले हम? सिकंदर किला तो कैसा घोड़ा बनेगा? चाल सीधा ऊपर को, ऊपर चाल सीधा ऊपर। यहाँ हाँ इधर ले लेंगे, सांप चढ़ जाएगा आराम से। अरे भैया आप तो विश्वास पूरा है हमारे को बेला पे, सिकंदर पे भी हो गया। चलो ये आया ना जंगल का नजारा बेहतरीन वाला जेडी। हाँ मेरे भाई नजारा देख, जंगल का नजारा आगे। अरे भैया नजारा ही नजारा है एटलीस्ट कम से कम। एक दिन ना मैं यहाँ खेला आया था बेला को लेके, उस दिन कोई नहीं था मेरे साथ। अच्छा हाँ तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है 3-4 किलोमीटर अंदर तक का, लेकिन आज हमें ये देखना है कि जंगल ये है कितना लंबा। बट आदित्य बोल रहा है कैमरा लेके, सर कह रहा है सर एक छोटी मोटी घोड़ी हमें दे दो देखा जाए। बात तो सही है उनकी, हम तो पैदल ही भागते घूम रहे हैं
देखा जाए बात तो सही है बेचारे वो लोग तो एक मिनट वो तो हमसे भी ज्यादा खतरों के खिलाड़ी क्योंकि कीचड़ में गिरना। शरद कहाँ रह गए भाई, जल्दी आगे आ जाओ। जेडी भाई तो ऑलरेडी मेरे सामने ही है। बट ये है कि हाँ इस जंगल में तेंदुए बहुत हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तेंदुए से हम रेस लगा लेंगे। अगर जेडी तेरी गर्दन पकड़ ली तेंदुए ना तो फिर क्या करूंगा मैं? सोच क्या करूंगा? तुम तो भाई गर्दन पकड़ने की सोच रहे हो, मैं तो ये सोच रहा कि चलो एक केज वो अपना स्टेबल खाली करके उसको वहाँ पे पाल लेंगे। स्टेबल छोड़, मान ले तेरी गर्दन तेंदुए ने पकड़ ली, फिर मुझे क्या करना चाहिए तू बता, फिर मुझे क्या करना चाहिए बोलना? मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? हाँ भाई देखो, चल तू इतनी देर लगा रहा है, मैं बता देता हूँ। हाँ जवाब नहीं है, सॉरी मैं देता हूँ जवाब। तेरी गर्दन तेंदुए ने पकड़ ली ना, घोड़ा भगा के घर पहुंचाना चाहिए। पहले तो माइंड में मेरे यही आ रहा था कि तुम यही बोलोगे, बट मैं लॉजिकली ये सोच रहा था कि वैसे हाँ करा क्या जाएगा, एक तो बचेगा कम से कम। पहली बार जब जंगलों में निकलेंगे ना हम लोग, हाँ हमें तो शीश का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का। अरे वो तो मेरे फोन में है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन पता क्या है, मैं बता क्या सोचता हूँ जेडी जी, कभी हमने अगर अपने शौक के चक्कर में ये दोनों इन दो घोड़ों में से कोई सा भी किसी को बेच दिया तो अगला घोड़ा जब हम लेके आएंगे उसको ट्रेंड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। बट ये कि हमारे लिए भी ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मतलब पिछले 1.5 साल से हम इन्हें सेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब ये ना हमारे मतलब से सेट हुए हैं जैसा हम चाहते हैं, है ना। बट अगर नया कोई लेके आए तो उसको तो फिर सेट करने में फिर टाइम लग जाएगा। बट उससे और कुछ नहीं, हमारी ही जो सिखाई हुई की चीज़ है उसमें और पॉलिशिंग होगी। हाँ वो तो है, पर यार टाइम लगता है ना, बात ये है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी खरीदेंगे ना, काम करें पहले एक खरीद लेंगे, उसको चला के देखेंगे हमारे मतलब का होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। ये तो यहाँ पे आगे आ गया, आई थिंक खाई आ गई है शायद। हाँ देखते हैं कितना गहरा स्लोप है, स्लोप बहुत ज़्यादा गहरा यार ये तो। भैया स्लोप गहरा नहीं, खाई है। जबरदस्त वाली, ओ भाई साहब यहाँ गलती मत करना घोड़ों को दलाने की, कम से कम 100 फीट गहरी है। कम से कम 100 फीट गहरी खाई है, घूम के निकलते हैं आगे से। 100 फीट है कम से कम गहरा। हाँ जी, और लोग ऐसा ऐसा डिमांड हो गया, ऐसा ट्रेंड हो गया कि हाँ सर, हाँ जी भी कितना कूदना है। हाँ, बहुत लोग डिमांड करते हैं सर आगे से घोड़े उठा के दिखाओ। चल चल सिकंदर, चल बेटे। मतलब यहाँ पे जंगल में भी ना बोतलें, गिलास, बड़ा मुश्किल है किसी को सुधारना। चलो 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 बेटे, मुझे तो लगा था ये और लंबा जंगल होगा लेकिन तो चारों तरफ बहुत गहरी खाई होगी, अब तो वापस घूम के उस वाले टीले पहुंचते हैं। तो मुझे लग रहा है वहां से नीचे उतरने का है सीन। हाँ हाँ जुगाड़ तो होगा, रास्ते में निकलेंगे इधर से, हम कहीं ना कहीं हम उधर से रास्ता निकल सकते हैं वहां से। हाँ, नीचे हाँ, किसी ना किसी रास्ते में निकलेंगे हम, या उधर की साइड से जाके यूं। बस चिकंदर ना बेटे, अरे अरे ये तो तू इसे पीछे कर भाई बेला को। भाई हम यहाँ से निकल सकते हैं क्या? रिस्की है यहाँ से, नहीं जहाँ रास्ता निकलने लायक होगा मैं बता दूंगा तुम्हें। चलो, पर मुझे लग रहा है हल्के हल्के बारिश के लक्षण भी ना, मुझे बूंदें ऊपर से फील हो रही हैं, तो जल्दी से खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते मामला आज। एंड वैसे भी घोड़ों के पैर ना स्लिप कर रहे हैं, बारिश स्टार्ट होगी मेरे भाई। हाँ बारिश हल्के हल्के स्टार्ट होगी, हम यहाँ से इधर निकल सकते हैं जेडी, इधर को। हाँ इस एरिया में पत्थर बहुत है, पत्थर है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पीछे पीछे आना, मेरे पीछे पीछे आना। आओ आगे आओ, फिर आगे नहीं मैं रास्ता निकाल रहा हूँ, निकालो। चल बेटा के अंदर, चल 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 बेटा, शाबाश। हाय शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेला। जब जब बैला अच्छा परफॉर्म करे
तो थोड़ा सा क्रेडिट मेरी राइडिंग को भी देना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, और सिकंदर पे तो हम 100% हैं। सिकंदर को तो 100% हमने सेट किया है भाई, इसमें तो किसी का रोल ही नहीं है। ये कांटों वाला ये लकड़ी टाइप है, इससे बच के निकालना। तो जंगलों में निकलते समय, जंगलों में घूमते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, जैसे क्या कांटे हो गए, लकड़ी हो गई, लोग काफी के कई बार बोतल डाल देते हैं, उससे बचना हो गया, या और भी कई सारी चीज़ें। मतलब मेरा मानना यही है कि जब भी आप कहीं भी राइड करो, अपने से ज़्यादा थोड़ा सा अपने जानवरों की, अपने पेट्स की केयर करना जरूरी है। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलते हैं, ऊपर से चीज़ों को और ध्यान रखना पड़ेगा, मकड़ी के जो जाले वगैरह, या फिर कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा शीशे की बोतलें वगैरह, कांच की बोतलें वगैरह, तो हम रिस्क बिल्कुल लेते नहीं। मकड़ी के जाले इतने हैं, उनका भी ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। भैया जंगल में हो तो मकड़ी के जाले और इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेंगी ही। सिकंदर का एटीट्यूड देख रहे हो भाई साहब। अगली बार एक और गोप्रो लेके आना है, ताकि दोनों घोड़ों के ऊपर गोप्रो हो सके। तब मैं सिकंदर का जो कानों वाला गुस्सा है ना, जो एकदम घुंडी बना के कानों की चलता है, और एक लोगों की जो होता है कि कान टच करते हैं नहीं करते, तो वो ही पता चल जाएगा कि अरे टच तो जबरदस्त करता है, एटीट्यूड में कितना टच करता है। एटीट्यूड में तो लड़का हमारा एक नंबर है, वो तो हाँ, ये कहते ना हमारा लड़का किसी भाव नहीं देता फालतू। वैसे मुझे ना यार जेडी पर्सनल में तो कोई पूछे ना, सड़क से ज्यादा मेरे को ना जंगल में मजा आता है घूमने में यार। नेचर राइड इज नेचर राइड है ना, मतलब यहाँ पे नॉर्मली खुद से तो घूमना पॉसिबल है नहीं आसान इतना। लोग क्या बोलते हो ये तो मुझे पता नहीं, हाँ, बट अपने लिए तो एक नेचर राइड ही बोला जा सकता है। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत मजा आता है भाई, औरों का पता नहीं मुझे। आओ थोड़ा टीले पे चढ़ाने के मजे लेते हैं, आइए बेटा। सिकंदर जी कैसे चलेंगे हम, खड्डा देख के। पर एक चीज समझ नहीं आया, ये खड्डे इतने सारे जगह 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 पे खड्डे बहुत कर रखे हैं। ये आई थिंक गांव के आसपास के लोगों ने करे होंगे, इसका कोई तो रीजन रहा होगा, या तो मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है, बट लॉजिक तो है यार। बरसात का पानी स्टोर देहरादून में कहां ही करता है कोई जंगलों में इधर। या तो एक काम हो सकता है, जानवरों के लिए ना करे हो, अगर वो आए जैसे तेंदुए वगैरह आए उनको पिलाने के लिए। हाँ, तू तो नई कहानी सुनाई हो यार जेडी, बातें तो रंग कहते ना कि मैं बेइज्जती नहीं, तेरी ऑन कैमरा बेइज्जती नहीं करना चाह रहा मैं, वरना बहुत गंदा मेरे पास अभी कैम वो था तेरे लिए, क्या बोलते हैं उसको भाई, ये वाली लाइन काट देना प्लीज। कहता मैं तेरी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, कहते ना सकल अच्छी ना बातें तो अच्छी कर लो। सॉरी फॉर दिस लाइन, पब्लिक को अगर बुरा लगे तो, दोस्त है मेरा, मैं कर सकता हूँ साथ मजाक। एक्चुअली ये ना मेरी पर्सनैलिटी से बहुत चिढ़ता है ब्रो, यू नो। या Yeah, the thing is that. The thing is that. Yeah. Sharad knows the thing is that. JD की personality से मैं चिढ़ता हूँ, एक कहानी सुनाऊंगा कभी तुम्हें, सभी अपने viewers को, उस कहानी को सुनने के बाद बताना कि चिढ़ता कौन है, मैं कि JD। JD को याद आ। चलो। चल बेटा। तो उसको HD में रखो यार करके। तो हमारी videos को जितना ज़्यादा हो सके maximum प्यार देते रहो, हालांकि आप बहुत प्यार दे रहे हो ऑलरेडी, और बस यही प्यार चाहिए। काफ़ी मज़ा हमें भी आता है राइडिंग करने में, वीडियोस बनाने में, और आपको भी मज़ा आना चाहिए। अगर कहीं भी दिक्कत है वीडियोस में तो आप हमें बता सकते हो भाई यहाँ दिक्कत है। आज जंगल की राइड में अल्टीमेट मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। आपको वीडियो देखकर कैसा मजा आया जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी जेडी मेरे साथ है, मिलवाता हूँ आपको जेडी से भी। और जंगल में काफी देर राइड करने के बाद हम जो है वापस फार्म पे पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट फार्म सामने ही है। और वेदर के चक्कर में हम वापस आ गए जल्दी से, क्योंकि बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही देहरादून के अंदर, और ये कहीं ना कहीं हमारे और हमारे जानवरों दोनों के लिए गलत चीज है। तो बारिश से जैसे रुकेंगे ना, फिर तो आपको ऑलमोस्ट डेली, और अगर डेली नहीं कर पाए तो एवरी ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के तो जरूर हम राइडिंग का वीडियो अपलोड करेंगे। बट फिलहाल जब तक बारिश है थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे सभी हमारे साथ। जेडी भैया क्या हाल चाल? बस बढ़िया मेरे भाई, मजे आया आज? मजे ही मजे हैं। किसने ज्यादा अच्छी राइडिंग कराई, सिकंदर ने या बैला ने? देखो यार सिकंदर भी तुम बैठने देते हो नहीं, उसको तो हम बता नहीं सकते कि उसका क्या है। जेडी कह रहा है सिकंदर में बैठने देता हूँ। एक्चुअल में वो तुमने वो सुना है, क्या बोलते हैं, एक डायलॉग है
राजकुमार का उसमें इंस्टाग्राम में देख रहा था एक दिन मैंने, हाँ है ना, देखा ना वो कि मेरा घोड़ा कोई मेरे से मांगे चलाने के लिए तो मैं क्या बोलता हूँ कि जान दे देंगे घोड़ा नहीं देंगे। तो जेडी ने ऐसा कहा कि मैं अपना घोड़ा नहीं देता हूँ, ये सच्चाई है, मैं अपने सिकंदर को किसी को नहीं राइड करने देता हूँ अनटिल अनलेस कोई बहुत ही रिफाइंड ट्रेनर ना हो या रिफाइंड राइडर ना हो, तब तक मैं अपना घोड़ा किसी को देता नहीं हूँ। जो हमारे फार्म पे लड़का काम करता है जीतू, उसको मैं कहीं कभी कभार अलाउ कर देता हूँ सिकंदर के ऊपर बैठना, क्योंकि वो इनके साथ हमेशा रहता है। और ये मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि जो पैट जो जानवर है ना वो आपके हिसाब से सेट हो जाता है, उसका जो कंट्रोल है ना आपके हिसाब से होता है। अगर आपने नोटिस भी करा होगा कि आपने बैला पे मैं बहुत कम राइड करता हूँ, मैं सिकंदर राइड ज़्यादा करता हूँ, तो ये काइंड ऑफ अ पर्सनलाइज हॉर्स है मेरा, इसलिए मैं किसी को नहीं बैठने देता। बाकी हम पहुंच चुके हैं फार्म पे, पीछे आपको दिख रहा होगा, बस गेट खोलने के तुरंत बाद हम पहुंचेंगे अंदर और अंदर के नज़ारा को दिखाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई भी कमी वीडियो के अंदर लगी हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हालांकि आप लोग बहुत सारे सेशन हमें सजेशन कमेंट में देते हो तो उसको हम आगे अप्लाई भी करते हैं। अपने अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि हम जितना ज़्यादा हो सके इम्प्रूव कर सकें, और किस तरह के वीडियोज़ आपको फर्दर चाहिए वो बताते रहना। जैसे कि आपको रोड पे ज़्यादा हम घोड़ों को लेके जाएं, जंगल में ज़्यादा लेके जाएं, या कुछ और नया ट्राई करें इनके साथ, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जितना ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे उतना ज़्यादा ही हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएंगे। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें सभी। जय हिंद, जय भारत।